हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विकास एंड आई होप यू डूइंग ग्रेट। आज को हम एक नई वीडियो के साथ, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है अगर आपके पीपीआर आने के बाद अपना कोर्स चेंज करते हो। कोर्स चेंज करने का ऑप्शन आपके दिमाग में तभी आता है जब आपके कॉलेज के पास प्रॉपर सीट्स अवेलेबल नहीं होती है, तो उसी सिचुएशन में अपना कोर्स चेंज करते हो। और किसी किसी को ये भी होता है कि जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उस कॉलेज में अगर वो आपका कोर्स अवेलेबल नहीं है तो कोर्स चेंज कर लेते हैं, या तो आपके दिमाग में आता है कि कॉलेज भी चेंज कर लें। तो अब इन्हीं चीज़ों को इस वीडियो में बात करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, इफ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज डू दिस, बिकॉज आपका सिंगल सब्सक्राइब मिले बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो और अच्छा लगता है। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ डू मेंशन द कमेंट सेक्शन, जहाँ पे मैं रिप्लाई कर पाऊँ। और भी जो स्टूडेंट्स आते हैं वो रिप्लाई देख के उनका आंसर, उनका क्वेश्चन वहीं पर रिजॉल्व हो जाए। एंड अगेन इफ यू वॉन्ट देन वी कैन कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम, जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हुआ कि सितंबर के बाद बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनका वीज़ा आ चुका है और उन्हें अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं कॉलेज में रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइक PPR एंड स्टैम्प वीज़ा, सबमिट कर दिए। और सबमिट करने के बाद जो मतलब कॉलेज की डेडलाइन के पहले ही पहले, बट कॉलेज का ये कहना है कि प्रॉपर सीट्स अवेलेबल नहीं होने की वजह से वो जेन्युइन इंटेक क्लोज करते हैं और वो कोर्स भी अवेलेबल नहीं है। अब यार ये सिनेरियो आने के बाद तो बहुत सारे बच्चों का तो बहुत नुकसान आता है कि पहले से किसी ने अपना फ्लाइट बुक करके रखा हुआ है तो उसको वो कैंसिल कराते हैं या फिर वो अपने मेन इंटेक के लिए जाते हैं। अब या तो हम पूरे पूरे टाइम का वेट करें, या तो आप ये कर सकते हो कि जिस भी पर्टिकुलर कॉलेज में आपने अपना एडमिशन कराया था उसी में आप अपना कोई ऐसा कोर्स चेंज कर लो, मतलब जो भी आपके प्रीवियस कोर्स से मैच करता हो, राइट। तो अब ये चेंज करने के बाद फिर बहुत लोगों को ये डर लगता है कि यार अगर हमने कोर्स चेंज करा लिया तो वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर मेरे से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या वो कॉन्फिडेंटली आंसर हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और ये लीगल है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे हम दो से तीन सिनेरियो बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इफ़ यू आर आउटसाइड कैनेडा, राइट, लाइक इन इंडिया। तो अब इसमें ये है कि अगर आप अपना कोर्स चेंज करते हो उसी पर्टिकुलर DLI में, डिजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे कॉलेज को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इवन वीज़ा ऑफिसर को भी कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, वो क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं कि आप कोर्स क्यों चेंज कर रहे हो, जहाँ पे आप अपने वीज़ा ऑफिसर को ये बोल सकते हो यार इट वॉज़ लॉन्ग टाइम टू वेट एंड वो कहीं ना कहीं मेरे अकेडमिक पर भी इम्पैक्ट करता, तो इसलिए मैंने अपना कोर्स चेंज कर लिया और कहीं ना कहीं ये कोर्स मेरा सेकेंड ऑप्शन भी था और उसके पूरे सिलेबस आपके मिलते जुलते रहते हैं। तो कॉलेज को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इमिग्रेशन ऑफिसर को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि लीगली इट इज़ देयर ऑन वेबसाइट। दूसरा ये कि आप अगर वही कोर्स चाहते हो लेकिन आपके कॉलेज में अवेलेबल नहीं है तो आप चाहते हो कि मैं अपना कॉलेज चेंज कर लूँ, तो कैनेडा जाने से पहले आप अपना अगर कॉलेज चेंज करते हो तो वहाँ पर आपको अपनी पूरी वीज़ा फाइल वापस से लॉन्च करनी पड़ती है। जो भी स्टेप्स आपने फॉलो किए थे आपके पूरे पूरे होंगे, मेडिकल आपका वही रहेगा, बायोमेट्रिक वही रहेगी, बट आपकी वीज़ा फाइल के लिए जो एम्बेसी फीस देनी होती है पूरा देना होता है, वापस SOP लिखो, SIG को करो, तो ये बहुत ट्रिकी हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आप इनसाइड कैनेडा हो तो वहाँ पे क्या हो सकता है। वहाँ पे जाने के बाद अगर आप जिस भी DLI में पढ़ाई कर रहे होते हो तो वहाँ पे अपना कोर्स इजीली चेंज कर सकते हो, अगेन देयर इज नो इशू। बट अगर आप अपना कोर्स चेंज करना चाहते हो किसी और DLI में, किसी और डिजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट में, किसी और कॉलेज में, तो वहाँ पर आपकी पूरी फीस ट्रांसफ़र होती है। हाँ, वहाँ पर आपको कोई वीज़ा फाइल लॉजिंग नहीं करनी होती है, मतलब वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा आपके लिए सिंपल हो जाता है कि बस पूरा कॉलेज को एक मेल विल करके इन्फॉर्म करना होता है, आपकी DLI चेंज हो जाती है और आपका कोर्स भी वहाँ पे जो भी आप चाहते हो चेंज हो जाता है। ये कंडीशन तभी आती है कि जिस भी इंटेक के लिए आप इंटेंडेड होते हो कि भाई मुझे इसी में जाना है, और जब वो कोर्स अवेलेबल नहीं है, प्रोग्राम क्लोज हो चुका है, तभी आपको लगता है कि यार चेंज कर लेना चाहिए, तो इसका ध्यान रखना। और जैसा कि मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड करी थी उसको भी आप देखना, जिसमें मैंने बताया कि अगर आप अपना कोर्स चेंज करते हो तो ध्यान दो कि एटलीस्ट 50% से ज़्यादा आपका कोर्स मैच करता रहे, प्रोग्राम के जो सिलेबस हैं वो पूरे मैच करते रहें, जिसमें आप भी थोड़ा कॉन्फिडेंट रहोगे और अपना आंसर अपने इमिग्रेशन ऑफिसर को कंफर्म कर सकते हो कि ठीक है दिस इज़ वाई आई एम चूजिंग दिस कोर्स और इससे मुझे कितना आउटकम मिलने वाला है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। मिलते हैं ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए ओके बाय टाटा।